महेश सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है हम मुमरा के कल्याण फाटा इलाके में। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं भयानक आग लगी हुई है। यहाँ पर बताया जाए करीब 40 से 45 गाले, तकरीबन इससे ज़्यादा की संख्या में भी हो सकते हैं, जो गाले जलकर राख हो गए। यहाँ पर जो गाले थे वो भंगार के गाले हैं, जो स्क्रैप प्लास्टिक का कारोबार यहाँ पर किया जाता है। ज़्यादातर यहाँ के जो उत्तर भारतीय लोग हैं उनका यहाँ पर गाला था। ये आग करीब 2 से 2:30 बजे के दरमियान लगी है। बताया जा रहा है कि 2 से 2:30 बजे के दरमियान जो है ये आग लगी, और ये आग देखते ही देखते इतनी भयानक रूप ले ली कि करीब 30 से 35 यानी या 40 के लगभग में जो है गाले, यानी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते अभी कि कितने गाले यहाँ पर जो है जले होंगे। फिलहाल जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो 30 से 40 गालों का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो यहाँ पर जलकर राख हो चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना भयानक यहाँ पर आग लगी है। पूरे धुएँ का गुम्बार आसमान में देखा जा सकता है यहाँ पर, और इसी तरह से आग लगी जी। लेकिन आग लगने की जो यहाँ स्थानीय लोग हैं उन लोगों का कहना है आग लगते ही जो है फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया, लेकिन इसके बावजूद जो है फायर ब्रिगेड काफ़ी देरी से आई है। आपको दिखा दें कैमरामैन से चाहेंगे दिखाने के लिए कि यहाँ पर देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी भी यहाँ पर है, लेकिन अभी हमारे सामने जो गाड़ी है वो दो गाड़ियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही है फायर ब्रिगेड की। और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें पानी जो है ख़त्म हो चुका है। हम आपको दिखा सकते हैं कि पीछे पानी का टैंकर भी आ चुका है फायर ब्रिगेड के लिए, आग बुझाने की मदद के लिए कि आग बुझाई जा सके। लेकिन अभी तक फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया गया है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नाम क्या है? अशफाक अहमद। कितने बजे ये आग लगी है? जो यहाँ पर कितने गोडाउन थे जो जल गए हैं, कितने गोडाउन यहाँ पर? लगभग इधर तो 50-60 गोडाउन थे। 50-60 गोडाउन जी। तो ये आग कितने बजे के टाइम के वक्त लगी है? ये लगभग 2 बजे। हाँ। फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बाद क्या फायर ब्रिगेड टाइम से आई है? आग बुझाने का काम कैसा यहाँ पर है? लगभग 2 घंटे बाद आया फायर ब्रिगेड, 4 बजे, 4:45 बजे के टाइम आया। आपका भी गोडाउन है? हाँ, मेरा 4 गोडाउन है। 4 गोडाउन। क्या चीज़ का आपका कारोबार था? मैं तो भाड़े पे दिया था गोडाउन बना के, प्लास्टिक का उसमें बिजनेस करते थे लोग। का यहाँ पर क्या गोडाउन है? हाँ, मेरा भी गोडाउन है भंगार का इधर। कितने गोडाउन आपके? 1 गोडाउन है। आग कैसे लगी ये आपको मालूम है? कैसे आग लगाने गए थे अचानक से देखे तो पूरा धुआं धुआं उड़ रहा है, तो हम लोग घर से भागते आए, और कब से देख रहे हैं अभी 2 ही गाड़ी आया है, वो भी पानी खलास हो गया है टैंकर में। और अभी तक बड़ा देखो खाली 2 ही गाड़ी आया है, सिर्फ घूम रहा है। अभी गाला भी हम लोग मेहनत कर करके बुझाए है, अभी भी पूरा आग बुझा नहीं है। कम से कम 60-70 गाला जल के खाक हो गया और बाकी जल ही रहा है। अभी देखो आपके अभी सामने ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कुछ गाड़ियां जो है 4-व्हीलर 2-व्हीलर अंदर पार्किंग में थे, ऐसे खड़ी थी। क्या गाड़ियां भी? गाड़ी उड़ी नहीं है, माल और जो भी मशीन वशीन है हमारा सब जल के राख हो गया है। अभी क्या मालूम कैसा लगी तो हमको पता नहीं चला है, अभी देख रहे हैं, अभी बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 गाड़ी आई है, पानी खलास हो गया है ना, अभी टंकर उंकर भी नहीं आया है। पानी का व्यवस्था हो रहा है? पानी का व्यवस्था हो रहा है ना, कोई कुछ कर रहा है। 2 घंटा लेट आया है गाड़ी भी, और 2 गाड़ी है वो भी खड़ा है, कब से यहाँ वहाँ घूम रहे है, थोड़ा बहुत बुझाए है बस, कोई कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। तो आपने सुना कि जिस तरह से यहाँ के लोगों का कहना है कि आग जो है लगने के बाद फायर ब्रिगेड काफ़ी देर में आई है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी आग पर काबू नहीं पाया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से यहाँ आग जल रही है। ये सब जो गोडाउन था यहाँ पर, ये बताया जा रहा है कि पूरा जलकर राख हो चुका है, काफ़ी धुआं यहाँ आसमानों में देखा जा सकता है। लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन अभी उसमें भी शायद पानी खत्म हो चुका है। उसके पीछे जो टैंकर लगा हुआ है पानी देने के लिए, पानी देने के बाद ही आग बुझाने का काम किया जाएगा। यानी कि एक तरह से आप देख सकते हैं कि जितनी बड़े पैमाने पर यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की जरूरत थी उतना यहाँ पर है नहीं। आग गाले जलने की बात यहाँ पर सामने आ रही है, अभी तक ये भी नहीं पता चल सका है कि आग आखिर कैसे लगी है, इसका भी अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है, कुछ लोग बता रहे हैं कि कुछ 4-व्हीलर और 2-पहिया वाहन भी जो है इसमें जलने की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी तक किसी जानी नुकसान की बात सामने नहीं आई है। इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।